अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज है बुध है और वो देखें इन्होंने ये वाला घोंसला कंप्लीट कर दिए पूरा। फिर अब कोने से रह गए ये देखता हूं लग रहा है वो तो कंप्लीट किया जरा बहुत गर्म गर्म रह गया और जब छूटेगा तब फुल बन जाएगा। वैसे इन्होंने बहुत छोटा बनाया बैठी हुई है अंदर वाला बड़ा है और सांग वाला भी बड़ा है पर ये पता नहीं क्यों छोटा बनाया है इन्होंने। और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया और अब स्कूल जाएंगे। अभी मौसम देखेंगे रात को तो बहुत बादल थे और बारिश हुई थी रात को और अभी बादल नहीं है अभी जरा बहुत ही है बादल पर आस्ते आस्ते करते करते ये जुड़ जाएंगे तो फिर क्या अभी बारिश है और मौसम भी बहुत ठंडा है अभी इतना भी ठंडा नहीं है बस नॉर्मल ही है गर्मी भी कम हो गई है। अभी इस भारी से बैग खाते हैं सबसे बड़ी बैग लगता है। अभी हम स्कूल जाते हैं और ये मेरे हाथ में जा रहे इसे उड़ा ऐसा। और आज का व्लॉग मुझे पता है किस बात पे होने वाला है। आज हम लोग अजान लोगों का इस्लामाबाद से सामान आ गया वो ये अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गए छुट्टियों में वो लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट थे और अभी यहाँ पर आ गए हैं दबाद में। और आज कल उनका सामान आया साइकिल भी थी उसकी मुझे वो साइकिल ज़्यादा अच्छी लगती है इतनी गंदी गंदी हम लोग उसके साथ स्किटें मारते हैं। हम लोगों ने पहले पूरा रोड काला किया गया था इतनी गंदी गंदी स्किटें मारते थे फिर कल उसकी वाक टाइप कम थी तो हम लोगों ने वाक भरवाने लेके गए फिर कल ये चला सके तो आज चलाएंगे और उसके बारे में व्लॉग भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे भी। अगर आप लोग अजान के चैनल को देखते होंगे दूसरे वाले टैब वाले तो आपको पता चल गया होगा कि उसके पास कैसी वो है उसमें हम दोनों जो इस्लामाबाद में सही मस्तियाँ करते थे तो देर भी हम लोगों ने वहाँ पर खेला था। तो उस चैनल का नाम असीब इकबाल व्लॉग्स है उसे जाकर सब्सक्राइब कर दिए आप उसकी सारी वीडियो देख लें। और उसने अभी डालने बंद कर दिए क्योंकि तय भी कहीं पता नहीं किधर गया अभी और अब स्कूल जाते हैं। इन बातों को करते करते इतना लेट हो गया मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मैं छतरी नहीं लेके गया था और बारिश लग गई थी बहुत तेज तो मैं सारे भिगो गया बहुत बारिश है और सुबह तो आसमान साफ था अभी भी जरा बहुत साफ था जरा बहुत बादल है मैं पता नहीं कब की बारिश लगी मेरा बैग भी भीगा हो गया देखें और मेरे शायद उसके बाद भी और मेरा बैग भी भीगा हो गया और मेरे बाल भी गीले हो गए हैं देखें बारिश का तौर पर बस जा रही है पानी भी ना गिर बहुत अभी ज़्यादा होकर जा रहा है देखिए तुम तेज बारिश है दोस्तों मैं बारिश में बांधा हूँ देखिए मेरे कपड़े अभी और भी गिरे अभी सारा आसमान साफ है और बादल नहीं है और सब अभी बारिश में जाने का दिन होता है और दुकान में कुछ दो मिनट चलो हम कपड़े चेंज करते हैं फिर आप सुनते हैं 3-2-1 गो कपड़े चेंज करते हैं कपड़े चेंज कर दिए और देखे मौसम ये अभी धूप भी निकल आई है आज तो मतलब रेनबो पक्की है मेरी तो यही दुआई थी कि आज बारिश नहीं आना क्योंकि आज साइकिल का व्लॉग में आना था पर बारिश लग गई है बारिश अगर रुकी तो फिर बनाएंगे जरूर हल्की हल्की बारिश भी लग गई और सूरज भी निकल आया अभी हम लोग आए हैं बगीचे और यहाँ से चलते हैं नीचे और कोई परिंदा भी बोल रहा है पता नहीं कौन से उस दिन मैंने आपको बताया था पता नहीं कौन सा दिन था वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा तब भी बोल रहा था गंदम देखें फुल पक गई है अभी कुछ दिनों बाद इसकी कटाई करेंगे कुछ कुछ रह गई है वो भी पक जाएगी देखिए इतनी
प्यारी लग रही है, येल्लो येल्लो सी, पहले ये फुल ग्रीन थी। गंदम अभी एक तोड़ के देखता हूँ अंदर से कैसी होती है। उस टाइम याद है हम लोगों ने देखी थी पर पकी नहीं थी। पर मैंने उसे तोड़ ली है, अभी उसका एक दाना निकालते हैं। ये गंदम छोटा सा एक दाना ऐसे लगा देती। गंदम का मैंने दाना निकाला पर वो इतना मोटा नहीं है, तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं कहीं ना कहीं। ये दरख्त भी बहुत ही पुराने हैं पर साफ फल लगते हैं। देखो सेब अभी ज़रा बहुत बड़े हो गए हैं, बारिश हुई है तो चपकड़ियाँ भी आई हुई है बहुत ज़्यादा। हम इन्हें स्नेल बोलते हैं, आप मेरी कमल चपकी बोलते हैं, आप मेरी कमल पहना क्या बोलते हैं, स्नेल ही बोलते होंगे। देखें ये और सामने गंदम के अंदर दोस्तों कुत्ता भी बैठा हुआ है, कुत्ता उसे भगाऊँ तो भागना मुश्किल होगा। ये जो बीच में से गंदम खराब है, ये मुझे लगता है कि कुत्ते बकरी या तो जैसे दूसरे जानवर वो इसे ख़राब करती हैं बारिश की वजह से, तो इतनी नहीं गिरती ज़्यादातर ही लगती हूँ। इसे भगाऊँ तो मेरी भी बाद में चलने लगी। आगे चलती हूँ और आपको बगीचे को और टूर देती हूँ। आई साइकिल भी चला सकते पर मैं अजान के पास गया था, अजान ने कहा कि मेरे पीछे कुत्ता लग गया तो मैं फुल स्पीड में लेके गया था, आगे पत्थर आ गए थे, पत्थर की वजह से टायर पंचर हो गया। अभी चलते हैं। सेब भी अभी छोटे छोटे नहीं है पर इतने भी छोटे नहीं है जितने पहले थे। मुड़ी और उसके चिक्स बाहर आ गए, देखें ये बड़ी हो गई है। ऐसे इन्हें हर दिन चिक्स को दवाई पिलाते हैं ऐसे हमने कभी ट्राई करना, ऐसे कोई पकड़ के दिखाता हूँ आपको। भाग रही हैं अभी, इन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल है, बड़े से हैं इसलिए इम्पॉसिबल है। छोटी होती है वो भी तेज भागती है पर बड़े वाले कुछ ज़्यादा ही तेज भागते हैं। मुर्गी पकड़ के देखते हैं कि अब तक कोई पकड़ में आती है, वैसे ही मछली आती है जिनसे देखी नहीं गया। शायद इतना मज़ा आ रहा था जब इन्हें पकड़ते थे, जब एकदम उठाओ पत्थर के नीचे सारी बैठी होती हैं एकदम हाथ मारो छापा और आ जाएंगी। अभी मुर्गी को भी पकड़ा कोई कोने में आई है, मुझे मुर्गे से डर लगता है। जब से हमारा मुर्गा मारने लगे तब से डर लगता है, जब हमारा मुर्गा नहीं मारते तब तो नहीं लगता था। अंदर कोई और ना, मुझे बस इसकी प्रॉब्लम है और वो बुखारी हो गई है, इतने बड़े बड़े हो गए उनका दाना। मैं एक तो से आपको दिखाता हूँ, ये वाले ये मेरा ज़्यादा होते हैं पर ये अभी थोड़ी है। अभी इधर से निकलने की कोशिश करते हैं।
और दोस्तों वो जंगली बैल को देखें, जरा बहुत फूल रह गए हैं। और ये जो गंदम है ये बड़ी फुली पकी हुई लग रही है, फुल पकी हुई। इसका दाना चेक करें तो पिछली बार उसका जितना उस फुल गंदम होता था ये फुल वाइट ही है, पड़े इसके ऊपर कीड़े भी हैं। मेरा लुच्चा भी यहाँ से गिर गया था तो हमने फिर चक्कर में, यह मेरा लुच्चा पता नहीं पकी है कच्ची है, मुझे इसका कुछ वो नहीं है, टूट ही गई वो पीछे कोई जंगली फूल लो है, बहुत प्यार लग रहा है। और जी मैंने और खाए खट्टे खट्टा वाला बीच स्मेल हर जगह पे नज़र आ रही है, और वो है जंगली फूल जो जिसके ऊपर से अभी सारे फूल उतर गए हैं। अभी देखने का कोई फायदा नहीं है, आए चले वापस। नीचे वाली गंदम नहीं पकी हुई यार, फुल ग्रीन है। नीचे वाली हमारी पकी नहीं है और नीचे वाली नहीं पकी। ये देखिए जगह जगह स्नेली बैठी हैं। दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे प्लीज जल्द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इस व्लॉग में, हाफिज़। सब्सक्राइब कर दिया करें, इन दोनों पढ़ाई भी हो रही है, पेपर भी पास आए हुए हैं, तब भी हम लोग व्लॉग बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय, अल्लाह हाफिज़।